जितने भी वंचित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनको पिछड़ा गया, जिनको पूछा नहीं गया है, उनकी एक मजबूत गोल हम लोग बनाकर और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग अपनी सरकार बनाया जाए और बिजली का बिल शुरू दिन से ही माफ कर दिया जाए। अगर घर की बिजली बिल को माफ कर दिया जाए, जो घरेलू बिजली है, पंखा है, बल्ब है, टीवी चल रहा है, तो हम पूछते हैं कि क्या 3000 के बदले 300 आ गए तो हम तो 300 दे पाएंगे, लेकिन 3000 दे नहीं पाएंगे। आजकल 3000 की नौकरी नहीं मिल पा रही है हमको, तो हम 3000 भरेंगे कहाँ से? नहीं भरेंगे, बिजली काट दिया जाएगा। किरासन तेल को पी गए लोग, किरासन तेल को बाजार से खत्म कर दिए लोग, उसका ब्लैक में करके बेच दिए, दूसरे देश में भेज दिए। अब आपके यहाँ बिजली भी न रहे और किरासन तेल भी न मिले तो आपके छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उसको खाना कहाँ से बना के खिलाएंगे आप? इसी के लिए माननीय मंत्री जी 10 तारीख को इसी गौड़ा में, गौड़ा के मैदान में मंत्री जी खुद आ रहे हैं और तमाम इधर के लोगों को बुलाए हैं, जिनको कुछ नहीं मिला है उनको वो बिजली फ्री करना चाहते हैं कि हमारे समाज के लोगों के बिजली बिल जीरो हो जाए, एक रुपया ना लगे, जैसे दिल्ली में नहीं लगता है उसे उत्तर प्रदेश में भी हम वह बिजली बिल किसी के लगने नहीं देंगे। इसी के लिए नेताजी आ रहे हैं और उन्होंने संदेशा भेजा है कि जाकर हर गांव के गली गली में इस बात की संदेशा पहुंचाइए कि मैं आ रहा हूं और उदी सब और पंचायत करूंगा वहां पर। गौड़ा में कोई भाषण रैली नहीं है, एक पंचायत हो रही है। उस पंचायत में आप लोगों से नेताजी मंच से पूछेंगे कि बिजली का बिल माफ होना चाहिए कि नहीं, और आप लोग कहेंगे कि बिजली का बिल माफ होना चाहिए तो आने वाले चुनाव में सबसे पहले बिजली बिल माफी के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ने जाएंगे और सबको परास्त करके दिखाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग परेशान बिजली बिल से है। आज रोजगार कहीं नहीं मिल रहा है, काम धंधा नहीं मिल रहा है। जो राजमिस्त्री का काम करता था उसके साथ जो लेबर का काम करता था, 2000 रुपये ट्रैक्टर जो बालू मिलता था, आज 12000 रुपये ट्रैक्टर बालू मिल रहा है। अब बताइए कौन मकान बनवाएगा? जब कोई मकान बनवाएगा ही नहीं तो जो राजमिस्त्री का काम सीखा है, जो उसके साथ लेबराई करता है, वो कहाँ से काम करने जाएगा? ये सरकार की मंशा जो है किसी तरह गरीब को खत्म करने की मंशा है, उसको और गरीब बना देने की मंशा है। इस 4.5 साल में जितना लोगों ने आत्महत्या किया, इसी 4.5 साल में बम्बई, दिल्ली, गुजरात, मद्रास, कहाँ कहाँ से लोग पैदल आए कोरोना काल में, सरकार ने क्या व्यवस्था दिया? सरकार अगर चाहिए होती तो सरकार के पास इतनी व्यवस्था है कि अपने अपने प्रदेश के लोगों को भेजकर गाड़ी से मंगवा कर उनके घर पहुंचा दी होती। यही 25 किलो का झोला में 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल दे रहे हैं लोग, और उस पर मोदी जी, योगी जी का फोटो लगा दिए हैं लोग। गेहूं और चावल में घून लगा हुआ है, हमने कई जगह देखा गेहूं चावल में घून लगा हुआ है, और झोला सबसे मजबूत है, झोला फटेगा नहीं, फार के देखिएगा झोला नहीं फटेगा। मतलब कि 175 रुपया का झोला और उसमें 50 रुपये का घून लगा हुआ गेहूं चावल आप बांट रहे हैं, क्या जनता बेवकूफ है? जनता आपको स्वीकार करेगी इस बार? आप नाक रगड़ लेंगे जनता के दरबार पर जाकर, दरवाजे पर, चौखट पर, लेकिन जनता आपको इस बार एक एक पाई का आपका हिसाब लेगी और आपको बैरंग वापस यहां से लौटना पड़ेगा। मैं एकदम इस बात को बता रहा हूं। और आओ 3-4 महीना के देरी हो, जैसे इतना दिन आपको कष्ट किए हैं, 1000 भरा दो। गैस अब बताइए, गैसवा जब मोदी जी अयले तो रोज टीवी पर अच्छे दिन आने वाले हैं, हम लोग सोच रहे की सरवा 400 का गैस एक समय मिले लगी, सबका भाग बदल जाये। डीजल और पेट्रोल 50 रुपया रहल, सोचला खाने 20-25 रुपया हो जाये। अब देखो गैस सिलेंडर बांट दे ले, 1000 रुपया बढ़ा दे ले, पैसा कौन फ्री में? फ्री में भइल? हम पूछे तो आपके फ्री में दे दे ले पहले, और दाम 500 के जगह 1000 बढ़ा दी है तो फ्री में भइल? तो पैसा तो ले ही ले। तो ये लोग ऐसे हमन के बेवकूफ बनावत हुआ, और यही लोग के बेवकूफी के दूर करे बदे 10 तारीख के सब लोग के चले के हो, घर में एको आदमी रहे नहीं, सवेरे खाना पीना बना के आ सब कोई के गौड़ा चले के हो।
गौड़ा 10 बजे ले वहाँ सब लोग पहुँचे कह नेताजी 12 बजे ले आ जाइए और नेताजी जौन एवदवा कही है वह काम हम कल जाये बाकी दूसरा तीसरा क्योंकि बात ना सुनल जाये ऐसे कि वो देख वो गरीबे परिवार से किस बार कहूँ लेकिन अपने समाज बदे 19 साल से घर द्वार छोड़ के समाज में घूम घूम के बात के समझाओ हवन और समाज 70-75% समझ गई है बात के कि हमन के अगर कोई कुछ करे वाला हो तो ओम प्रकाश राजभर अलावा कोई करे वाला ना हो ये बात के 75% समाज समझ गई हो लेकिन 25% ऐसा भी लोग हो जे आपके नाम पर पैसा लेके आयर वर करे वाला काम करत हो। एक चीज और तू लोग बता दें आप लोग की जानकारी माई बहन ना हुई हमारे कुछ साथी की जानकारी हुई जो मोबाइल चलावा था यूट्यूब देखा था नेताजी से जब जब लोग पूछते हैं कि ये विधानसभा के विधायक और मंत्री जी ने आपके लिए ऐसा कहा है तो नेताजी कहते हैं चलिए हमारे समाज का है हमारे परिवार का और बच्चा है भी ये ना कही आदमी कोई हाँ पूछते हैं गार्जियन हो आ कोई लड़का अगर गार्जियन के गाली दे था समाज में तो गार्जियन से पूछा तो गार्जियन क्या कही कि चलो भाई हमारे समाज का लड़का अभी सीख रहा है बच्चा है नेताजी इतने बात कहते हैं लेकिन जब उसी बच्चा से पूछा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर के बारे में तो जानते हो क्या कहता है कि ओम प्रकाश राजभर तो राजभरन के बेचत हम अच्छा ये बताओ इतना लोग यहाँ बैठल हो ओम प्रकाश राजभर केकर हाथ ले जाए पकड़ के ले गए ना कहें इनके खरीद ला तू हमको पैसा दो कहे कहले हो ना ले तो उ व्यक्ति के कहे के चाहिए अपने समाज के लोग के जो समाज में पैदा भइल हो वही समाज के कहो था कि ओम प्रकाश राजभर बेचत है अभी हमके तो शर्म आओ था कहे में कि अपने समाज जो समाज में व्यक्ति पैदा हो रहा है वही समाज के लोग कह रहा है कि ओम प्रकाश राजभर इनको बेचते हैं बना। अरे मुलायम सिंह यादव अले तो यादव समाज जुटल कि नहीं जुटल जुटल तो यादव समाज के बेचले वो नहीं बहन जी अली तो चमार समाज जुटल कि ना जुटल जुटल ओके तो ना बेचले वो लोग के काम कैले वो लोग के घर घर तक दरवाजा सड़क बनवा दिले नाली बनवा दिले वो लोग के अधिकार दे दिले आप ओम प्रकाश राजभर अगर अपने समाज के जुटा के और लोग सिखाओ थो पढ़ाओ थो ना कहो थे बच्चा को पढ़ाओ बच्चा को नौकरी लगाओ इतना पढ़ाओ लगाओ कि नौकरी लग जाए देखा मतलब बेचत हमन तो पूछे के चाहिए ना कि बतिया के पूछी अब आई लोग ना फिर चुनाव आओ था ना मंत्री लोग आई लो ना भाजपा वाले लोग तो लो से बतिया पूछे को हो ना पूछाई है तुम कि ये भैया कहाँ ओम प्रकाश राजभर हमन के बेचले हमन तो घरवे में है अगर बेचले रहते तो हम लोग परदेश में रहती कोई कहाँ थे तू बतिया कैसे कहा था वो यही समाज में पैदा होके कि ओम प्रकाश राजभर सौदागर हैं राजभरों को बेच रहे हैं हम तो पूरा प्रदेश घूम के देखा था एको राज हम तो हर जगह यही बतिया पूछा था लोग से कि भैया ओम प्रकाश राजभर के बेच दिले हूँ तनि हाथ उठा के बतावे या पकड़ के ले गए हूँ कहीं गाड़ी में बंद करके ले गए गाय भैंस की तरह आ ले जाके एक गांव से वो गांव में बेच दिले हूँ कोई राजभर के बेचले हूँ आज तक राजभर के हमेशा ये कहले ओम प्रकाश राजभर कि पहले पढ़ो और बच्चे को पढ़ाओ और पढ़ा के मजबूत बनाओ ताकतवर बनाओ उसकी नौकरी पेशा के बारे में सोचो परिवार पढ़ेगा जो बच्चा पढ़ेगा वही घर आगे बढ़ेगा क्योंकि शिक्षा पढ़ाई एक बहुत बहुत मतलब की महत्वपूर्ण चीज हो जेकरे घर में एक भी लड़का अपने गांव में सलारपुर में एक भी लड़का पढ़ के अगर डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कुछ बनल हो तो देखो उनका घर की स्थिति परिस्थिति सब बदलल हो तो हम लोग भी यह चाहते हैं यही बदे आए हैं कहे बदे कि बहन रे एक रोटी कमे खो लेकिन लड़का बच्चा के लड़कन के जरूर पढ़ाओ ये पढ़िए आने वाले समय में सब दुख दलिद्र घर से भाग जाए लेकिन अगर ना पढ़ाई बालो हमू ना पढ़ाई अपने बाल बच्चा के तो हमके भी वह कष्ट हो बात ओम प्रकाश राजभर कहते हैं घूम घूम के अब बाकी क्या कहते हैं चलो मोदी के वोट देता हूँ हम वोट मांगे आये है हम वोट मांगे आये है हम वोट मांगे ना आये ना कब वोट मांगे आई ओम प्रकाश राजभर के बात अगर सही लगी और जहाँ कहिए वहाँ वोट दिया यो बात हम कहते हैं लेकिन उस शिकारी मने आई है जाल बिछाई है
5-5 सौ 200 रुपए थमाई है, वो पर अगर बिक गई लोग या कोई भी बिक जाए, हम बिक जाए चाहे ही बिक जाए चाहे ही बिक जाए, तो 5 साल सही बैठ के हमन के आवास बदे, शौचालय बदे, राशन बदे, राशन कार्ड बदे, आधार कार्ड बदे, बिजली बदे, फिर रोए के पड़ी। 75 साल से हमें रोवत आवत है आ फिर रोए के पड़ी। एकदमा हम कम से कम अपन महिलाओं से आ बुजुर्गों से जरूर कहल चाहब कि आप जहाँ बैठिए वहाँ कहिए ये बात के सवाल होते चाहे कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा सौदा किया राजभरों का, ये बात पूछे के चाहे। अगर मुलायम सिंह सौदा किए हैं, मायावती जी सौदा किए हैं, कांग्रेस पार्टी वाले सौदा किए हैं, तब तो हम मान लेंगे। हम जौने गांव में हैं, जौने घर में वही घर में रात दिन रहत हैं, घूम घूम के लगता है कि राजभरों का सौदा हो गई, राजभरों को बेच दिए। अरे यहाँ तक कि अब का कहीं हम महिला बैठे हैं यहाँ गाजीपुर में मंच से भाषण देते ले मंत्री जी कि ओम प्रकाश राजभर माँ बहनों का सौदागर है। यूट्यूब पर खोल के देख लेगा कोई भाई अगर यहाँ मोबाइल चलाता होगा तो। बताइए ऐसे कहना चाहिए? ओम प्रकाश राजभर कहते हैं परिवार के हो, समाज के हो, अभी बच्चे हो, और तू कह रहे हो कि सौदागर हो गए तो बेच रहे हैं। तो ये बात के पूछे के पड़ी आप लोग के, हमसे तो जहाँ जहाँ भेटाले वहाँ पूछी ला हम, लेकिन हमारा जवाब कोई नहीं दे पाता है। जिस दिन आप लोग पूछना शुरू कर दीजिएगा कि ओम प्रकाश राजभर ने कहाँ राजभरों को बेचा है, आप पहले बताओ उसके बाद तुम्हारी बात सुनेंगे हम। अगर वो बताएगा तो उसकी बात सुनिएगा, अगर नहीं बता पाए तो बोलिएगा जय श्री राम आप यहाँ से जाइए, इतना काम करे के हम। न तो आज हम उनके रोए के पड़ी, हैंडपम्प बजे, नाली बजे, खरंजा बजे, राशन बजे, ना रोए के पड़ी। ऐसे कि हम लोग मजबूती से उनके यहाँ जीतली, ऐसे ऐसे जीतली कि हाँ ये तो हम उनके सम्मान करिए। रुकिए प्रधान जी, हम उनके सम्मान करिए, हम उनके देख रेख करिए। जात हुए बरखवा की हम मरनी है जियनी में तो 5,000 देते वन आओ थो राजभर के बीच में तो कहते ठीक हम भेजवा दे, मिलल कोई के आज तक नहीं, कोई के मरनी जियनी में राशन पता ही भेजले नहीं। अच्छा इतना लोग बैठा लिया ये बताओ, सबके घर में लोग बहुत बीमार होते हैं, गंभीर बीमारी होती है, आपके मंत्री जी ने कभी गंभीर बीमारी के लिए पैसा किसी को दिया है? जबकि सरकार गंभीर बीमारी के लिए आपके गांव में कोई भी गंभीर बीमारी से पीड़ित है वो इलाज नहीं करा पा रहा है, उसकी मैं गारंटी लेता हूं, उसका सरकारी हॉस्पिटल से एस्टिमेट बनवा के दे दीजिए, उसका 5 लाख रुपया उसके उसके हॉस्पिटल में आ जाएगा और गंभीर बीमारी से उसको बचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ तक पैसा नहीं मिला। और सुनिए, 2 साल मंत्री जी रहे सरकार में और 2 साल में सबसे ज्यादा पैसा अपने विधानसभा जहाँ जहूराबाद में मंत्री जी विधायक हैं, सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अपने कोष से दिया। अब तो हर साल समीक्षा होता है, मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा किया, समीक्षा में देखा कि तो राजभर जी सबसे ऊपर हैं। अब क्या करें, अब कैसे जाके सदन में कहें कि ओम प्रकाश राजभर नंबर एक है, इनको प्राइज देना है, मजबूरी है। लेकिन अब तो उनके पास मजबूरी है कि उनको आंकड़ा विधानसभा में पेश करना है। मजबूरन उन्होंने देखिए क्या कहा कि इस साल गंभीर बीमारी के इलाज के लिए सबसे ज्यादा पैसा किसी ने खर्चा किया तो सुहलदेव पार्टी के। वो जाना तो कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, लेकिन कहते हो सुहलदेव पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने दिया, जिसका प्रमाण पत्र उनको मिला। तो हम लोग 10 तारीख को नेताजी की पूरी बात को सुनने के लिए उस महापंचायत में सबको चलना है। अब चलना है तो यहाँ से तो 7-8 किलोमीटर दूरी है अलिया जी, तो 7-8 किलोमीटर दूरी तो चल कैसे जाए, महिला लोग कैसे जाए, पुरुष तो माना साइकिल मोटरसाइकिल से चल जाए, महिलाएं कैसे जाइए, हम के महिलाओं के लिए महिला के लेके जाए के हूँ वहाँ, अब कोई बतावे कि कैसे जाइए हैं, मैं बताइए भाई कैसे। आज हम लोग प्रोग्राम ये बनाए हैं हाँ कि मैजिक गाड़ी किया जाएगा, ठीक है, हम लोग अपने बल बूते हाँ भाई, जब भी छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो, मैं अपने गरज पर हम लोग 10-12 आदमी मिल करके हाँ। एक गाड़ी हम लोग कर लेते हैं, हम लोग किसी से नहीं करने जाते, न नेता से करने जाएंगे
एक गाड़ी यहाँ हो जाएगा, एक गाड़ी यहाँ हो जाएगा। ये हमारी गाड़ी हमेशा तैयार है। ठीक है, तो उस एक गाड़ी उस एक गाड़ी में 500 रुपया हमारा योगदान है, ले लीजिए। उस गाड़ी में जितना का गाड़ी आप कीजिएगा एक गाड़ी, लेकिन महिलाएं ज्यादा जाएं उसमें, आप पुरुष जो हैं उसमें साइकिल से चलें, और उस गाड़ी में हमारा 500 रुपये योगदान है। आप लोग इकट्ठा करके एक आदमी का सपोर्ट करके महिलाओं को जरूर गाड़ी में बैठा के। सर ऐसा है कि आपको देखने में मिलेगा उस गाड़ी पे एक ड्राइवर रहेगा, एक पुरुष रहेगा, और बाकी महिला भेजने की मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, ताली बजाइए भाई। तो शेष बातें वहीं पर नेताजी का हम लोग सुनने के लिए आएंगे। ठीक है, अगर ये लोग कर लेंगे दस 20 रुपया जो भी अपना आदमी योगदान देना चाहते हैं देख दीजिए। भाई ताकि लेकिन चलना है ऐसे कि हक अधिकार पाने के लिए कुछ अपना लगा के 10-20-50 रुपया चलेंगे तो हम लोग को नेताजी की बात सुननी है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 3-4 महीना की और बात है, बर्दाश्त कीजिए, 3-4 महीने बाद सरकार पलट।